अब इसके आगे देखते हैं क्या है, अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन रिटर्न वाल्व के बारे में। ठीक है, ठीक आ रहा है ना? ठीक है, थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ। नॉन रिटर्न वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये लिखा हुआ है इसका नॉन रिटर्न वाल्व। ये मार्केट में इस टाइप का मिलता है, नॉन रिटर्न वाल्व इस टाइप का आएगा। नॉन रिटर्न वाल्व का मतलब क्या होता है, एक डायरेक्शन में आपका फ्लो करेगा, अगर आपने कनेक्ट कर दिया तो एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो करता है, रिटर्न नहीं होगा, रिटर्न करने का प्रोसेस उसमें नहीं है। एक ही जो आपने इनपुट आउटपुट को कनेक्ट कर दिया है, देखिए इस पर लिखा भी है आउट इन, ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्शन पे आपका फ्लो करने वाला डिवाइस जो वाल्व है, डिवाइस मतलब वाल्व, वाल्व के बारे में पढ़ रहे ना, तो एक ही डायरेक्शन में जो एयर को या फ्लूड को फ्लो कराता है, रिटर्न नहीं होता है, नॉन रिटर्न वाल्व कहलाता है। तो नॉन रिटर्न वाल्व मार्केट में इस टाइप का मिलेगा आपका। और फिर और देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या है हमारे पास, इसका ये सिंबल देख लेते हैं नॉन रिटर्न वाल्व का, ये है सिंबल। ये देखिए एक ही डायरेक्शन में है ना, एक डायरेक्शन में आपका केवल फ्लो होगा। ठीक है, सिंबल आप इसका हो गया, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, याद कर लीजिए लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये नॉन रिटर्न वाल्व का सिंबल। और फिर जो ये हमने बताया था ना, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देख लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी है हमारे पास, ये देख लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा इसको सही करता हूँ मैं, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया इसमें। देखिए इस डायरेक्शन के आपसे एयर फ्लो होगा, इस डायरेक्शन से आपका एयर, क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया गया यहाँ पे कि कैसे क्या होता है। स्प्रिंग लगी हुई है इसमें, ये सभी स्प्रिंग लगा हुआ है, एक ही डायरेक्शन पे आपका एयर फ्लो होगा, एयर या फ्लूड। ठीक है, और इधर से आपका निकल जाएगा। ठीक, और मार्केट में देखिए इस टाइप का मिलता भी है, ये एक ये है, ठीक है, ये है आपका इस टाइप का, इस टाइप का आप ही आता है कि एक इनपुट रहेगा आपका, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ कि आपका ये इधर से इन होगा है, और एक ही तरफ से आउट होगा, इधर से इन होगा, ठीक है, और इधर से आउट होगा। इसमें किसी प्रकार की जो कि कोई कंट्रोलिंग नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर, यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है, हमने जिधर फिक्स कर दिया, इधर फिक्स कर दिया है कि एक इनपुट है या आउटपुट है, तो यही इनपुट रहेगा, यही आउटपुट आपका रह कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, ये इनपुट आउटपुट जो फिक्स कर दिया वही रहने, वेरिएबल वो नहीं होता है। अब देखिए इसके आगे क्या बचा है, अब पढ़ते हैं सोलेनोइड वाल्व के बारे में। ठीक, ये जनरली यही वाल्व आपके हाइड्रोलिक में और न्यूमेटिक सिस्टम दोनों में यूज किए जाते हैं, इसके लिए ये यूज किया जाता है सोलेनोइड प्रिंसिपल पे। सोलेनोइड होता क्या है, सोलेनोइड के